दुर्ग जिले के भिलाई खुर्सीपार में बीते दिनों हुई युवक मलकीत सिंह की हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा दुर्ग भिलाई बंद का ऐलान किया गया था। समाज द्वारा पैदल मार्च निकालकर आक्रोश भी जताया गया। दुर्ग जिले के भिलाई खुर्सीपार में युवक मलकीत सिंह की पिछले दिनों हुई हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत दुर्ग द्वारा भिलाई बंद का ऐलान किया गया, जिसके तहत खुर्सीपार सुपेला पावर हाउस रामनगर केएम क्षेत्र वैशाली नगर हाउसिंग बोर्ड छावनी नेहरू नगर में व्यापक असर देखने को मिला। बंद को भारतीय जनता पार्टी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भरपूर समर्थन मिला। सुबह से ही सभी बाजार में दुकानें बंद रही और बंद के समर्थन में सैकड़ों महिलाएं और सिख समाज के लोगों ने पैदल मार्च निकालते हुए लचर कानून व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की और आक्रोश जताया। बता दें कि मलकीत सिंह को न्याय दिलाने को लेकर तीसरे दिन भी सिख समाज के द्वारा भारी संख्या में लोग नेशनल हाईवे चक्का जाम कर बैठे रहे। 1 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा। इधर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। लगातार प्रशासन के द्वारा सिख समाज के लोगों के साथ बैठक की गई, लेकिन बैठक में कोई निर्णय नहीं निकला, जिसके चलते भिलाई बंद का ऐलान किया गया था। बंद का व्यापक असर दुर्ग जिले में भी देखने को मिला। बंद के समर्थन में भाजपा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एकजुट नजर आए। मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने के अलावा हत्या के सभी आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी सजा की मांग की गई। परिजनों की इस मांग का समर्थन करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे 16 सितम्बर से ही खुर्सीपार थाने के सामने टेंट लगा धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मृतक के परिजनों की मांग पूरी कर उन्हें संतुष्ट नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। अब ये तो प्रशासन बताएगा, और जहां तक लोगों का आरोप है कि वह एक राजनीतिक व्यक्ति के खास का खास है, इसलिए उसके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन को अपराधी किस जात समुदाय या दल का है उससे नहीं, अपराध उसने किया है तो उसे पकड़ना चाहिए और सजा मिलना चाहिए। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ इस वारदात में शामिल है, उसे छुपाने की कोशिश ये बिल्कुल है कि प्रशासन जो है किसी विशेष एक और जो अपराधी है उसके एक्यूज बनाने में लापरवाही कर रहा है। जो विटनेस है, आई विटनेस, वो बार बार बोल रहा है, इसलिए ज़्यादा लोगों में आक्रोश है। और वो यहाँ पे आज जो है भिलाई बंद लोगों ने स्वेच्छा से किया, छत्तीसगढ़ सिख पंचायत, आपके चैम्बर कॉमर्स, भाजपा और समाज के सब लोगों ने उसका समर्थन किया और वो सफल रहा। आंदोलन का तीसरा दिन है, क्या करता है, क्या कुछ मांग है, आगे किस तरह की और प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? देखिए, पहले दिन से एक ही मांग है, पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो। और पीड़ित परिवार जिस तरीके से उसे भरोसा हो जाए कि उसे न्याय मिल रहा है, पीड़ित परिवार और छत्तीसगढ़ सिख पंचायत जिस दिन भी इस बात को महसूस कर लेगा कि उसे न्याय मिला है, वो आंदोलन वापस लेगा, हम लोग चल जाएंगे। वो जो भी आंदोलन कैसे करता, क्या करता, वो जो भी करेंगे हम लोग साथ में। अब वो जो लोग गए थे सिख पंचायत के लोग और पीड़ित परिवार के, वो जान रहे हैं, उनकी आपस में बात हुई, वार्ता असफल हो गई, इसलिए जो है आज ये बंद हुआ। पार्टी विशेष से जुड़ा
वही मृतक की बहन का कहना है कि जब तक सारे आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। पुलिस के द्वारा एक आरोपी शुभम शर्मा को बचाया जा रहा है। हमारी मांगे 50 लाख मुआवजा, एक सरकारी नौकरी चाहिए। 3 दिनों से हम इस मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। साथ ही कहा कि हमें न्याय चाहिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। भाई है, उसे 15 सितंबर की रात को 8-9 लड़कों ने बहुत बेरहमी से मारा उसको, ठीक है, ये ITI ग्राउंड के पास 7:30-8 बजे की बात है। बहुत बड़ा टाइम नहीं था सर, 7:30-8 बजे बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। 8 लड़कों ने एक निहत्ते लड़के को इतनी बेबसी से मारा है, उसके ऊपर नाचे, उसके हथेड़ियाँ, रिप्स, आप उसकी हिप बोन, चेस्ट और इसका ब्रेक, ये फ्रैक्चर हो गया सर। इतनी निर्मता से मार के उसका वीडियो बनाया गया, उस पर नाचा गया, इतनी बेरहमी से मेरे भाई की जो हत्या की गई है। हमारी बस यही मांग है कि उस जो दोषी है उनको फांसी की सजा दो। सर हम यहाँ पे 3 दिन से बैठे हुए थे, शुभम शर्मा जो इन नेताओं का चमचा है, ठीक है, उनका नाम नहीं लिखा गया है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि वो इस सत्ता का खास आदमी का बंदा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार से हम यही उम्मीद करते थे। हम 2-3 दिन से अपनी मांगे रखे कि मेरी भाभी, मेरा भाई चला गया, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए, दोषियों को फांसी दी जाए और उसे कुछ सरकारी नौकरी दी जाए ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। 2 छोटे बच्चे हैं, एक LKG में है, एक क्लास 1 में है। आप बताइए ये 2 बच्चों का कौन करेगा? इतनी छोटी सी मांग है आज यहाँ पे, आज यहाँ पे नेताओं की औरतें मार्केट जाती हैं तो 4-4 गाड़ी आगे पीछे जाती है। वो जो पेट्रोल का पैसा है ना, हमारे टैक्स से देते हैं, वो हमारे टैक्स के लिए, और यहाँ पे अगर वो नेता बने तो जनता की सुरक्षा के लिए बने। 4 साल से वो ITI ग्राउंड में 36 मर्डर हो गए हैं, आज तक वो प्रशासन जागी नहीं है, जबकि ये तो उनको खुद मुआवजा, खुद सब कुछ करते। आज भिलाई में इतना क्राइम बढ़ चुका है कि कोई परिवार सुरक्षित नहीं है। आज ये घटना मेरे भाई के साथ हुई है, ये आपके घर पे किसी के साथ भी हो सकता है। आए दिन वहाँ पे रेप होता है, मर्डर होता है, चरस, गांजा, सट्टेबाजी, सब कुछ होता है। पुलिस प्रशासन क्यों सो रही है? क्यों किसी के कॉल पे शुभम शर्मा का नाम नहीं लिखा गया? क्यों शुभम शर्मा को अभी तक पेश नहीं किया गया? ये धरना हमें अपने भाई के इंसाफ के लिए चाहिए। मेरा भाई मरते दम तक बोल के गया कि बहन, मेरे को इन लोगों ने बेमतलब का मार दिया है, छोड़ना मत इन लोग को, इन्होंने मुझे बहुत मारा है, इन लोग को छोड़ना नहीं, ये इसकी आखिरी इच्छा थी, और जब तक ये नहीं करेंगे हम मर जाएंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं। बस मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, दोषियों को सजा दो। वहीं सिख पंचायत के प्रदेश महासचिव गुरनाम सिंह का कहना है कि प्रशासन से हमारी कल बात हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला, क्योंकि हमारे द्वारा जो मांग रखी गई है उसको शासन पूरा नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के भिलाई को लघु भारत कहा जाता है, जो शांति का टापू कहा जाता था। इन 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भिलाई सहित पूरे छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया। जिस प्रकार से बिलासपुर में चाकू की घटनाएं हो रही है, रायपुर की चाकू की घटनाएं हो रही है, सरेआम गैंगरेप हो रहे हैं, बिरनपुर की घटना हो रही है, और यहां पर मनकीत सिंह ने खाली भारत माता की जय के नारे लगाए और उसको लेकर जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई, ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एक तालिबान हो गया है, या भारत माता के जय के नारे कोई नहीं लगा सकता। और उसके बाद सरकार आरोपियों को पकड़ने के बजाय सरकार उसको बचाने में लगी हुई है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकती। और सारी जनता इनके अपराधगढ़ जो छत्तीसगढ़ को बनाया है देख रही है, और निश्चित रूप से समय आने पर भिलाई और दुर्ग की जनता इसका जवाब भी देगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।